चितवनी करने से पहले क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए कृपया स्पष्ट कीजिए। देखिए, चितवनी करने से पहले पहला कदम है आहार की शुद्धि। आप लहसुन प्याज की चटनी खा लिए, लहसुन प्याज के खूब पकौड़े खा लिए, खूब तीखी तीखी मिर्चें हैं, और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाइए कि हमारी समाधि लग जाए, तो नहीं होगा। यदि आहार शुद्धि नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। प्रातःकाल आप चितवनी करते हैं, उठते हैं तो पहले आंखें बंद करके पानी के छींटे मारिए, हाथ पैर धो लीजिए, गर्मी का समय है तो स्नान कर लीजिए, जाड़े में हाथ मुंह धो लीजिए, एक गिलास पानी पी लीजिए ताकि आपके अंदर का तामस निकल जाए। आसन बिल्कुल सम होना चाहिए, मच्छर का मौसम है तो मच्छरों से बचाव करना जरूरी है, नहीं तो आपकी सारी एकाग्रता को भंग कर देंगे। आप अभ्यस्त आसन पर बैठिए। अभ्यास ऐसा कीजिए कि शरीर हिले डुले नहीं, ऐसा लग गया हो कि जैसे कि शरीर मुर्दा हो गया हो। यदि शरीर में कहीं खुजलाहट होती है तो खुजलाने की आदत न डालिए, क्योंकि एक बार आदत पड़ जाएगी तो शरीर का आभास बना ही रहेगा। अभ्यास कर लेने के बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा। कभी भी सिरहाने की तरह मत बैठिए, पाँव की तरह बैठिए। सिरहाने का स्थान सदगुरु के लिए छोड़ दीजिए। जब तक राज्य का जोश नहीं आएगा तब तक आपकी सुरता नहीं चलेगी। जो भी तारतम का जप कीजिए उसको धीरे धीरे जप कीजिए। दो बार से ज़्यादा जरूरत नहीं है तारतम के जप करने की, लेकिन जप ऐसा हो कि जीभ नहीं ले, होठ नहीं ले, शरीर से परे होने का प्रयास कीजिए। और जब तक मन एकाग्र नहीं होता है, गुम्मर जी की सेवा या सतगुरु का स्वरूप जब तक नहीं आता है, तब तक राजसमा धाम धनी प्राणनाथ प्राण बल्लभ इन शब्दों को प्रेम भरे उच्चारण के साथ कीजिए। आप छः छः चौपाई को बार बार गाएंगे तो आपका मन, आपकी बुद्धि सक्रिय हो जाएगी। बुद्धि के सक्रिय होते ही आपके मन में शांति भंग हो जाएगी। इसलिए इतने धीरे धीरे कीजिए, हृदय से निकल रही हो आवाज़ और आप शरीर से परे होते जाएं। जब आप बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास कर लेंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि आपका मन स्वतः ही शांत होने लगेगा। शुरू शुरू में बाधा आएगी। आप जब ध्यान करते हैं तो तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, लेकिन उन विचारों से शांत होने के लिए आवश्यक है कि शरीर की भी स्थिरता बढ़ाई जाए। आप पानी के जहाज में, नाव में, समुद्र में यात्रा कीजिए या किसी नदी में यात्रा कीजिए, नाव जब तक सही दिशा में चल रही है, हिल डुल नहीं रही है, तब तक ठीक है। और लेकिन नाव यदि हिलने लगे, लहरों से हिचकोले खाने लगे, तो आप घबरा जाएंगे। उसी तरह से एक बात और देख लीजिए, जब कहीं भूकंप आता है, कितनी भी अच्छी बिल्डिंग होती है तो उसमें दरार पड़ जाती है। आपका शरीर बहुत बलवान है, बार बार हिलाते डुलाते रहेंगे। जैसे मैं बैठा हूँ ना, अभी हाथ को ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। साधना में ध्यान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार जैसे पृथ्वी के कांपने से दीवार हिल जाती है तो दरार पड़ जाती है। कितनी भी सीमेंट की बढ़िया जुड़ाई की गई, उसमें दरार दिखने लगती है। वैसे ही हिलने डुलने की आदत बनी रहेगी तो आपका आसन कमज़ोर होता जाएगा। एक बार आसन जमाकर अंगद के पाँव की तरह बैठा दीजिए, फिर देखिए आपके शरीर में शक्ति बनने लगेगी। जब सही तरीके से आसन पर बैठेंगे तो शरीर में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप शरीर से परे होते जाएंगे, तब ध्यान को केंद्रित करना बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए ये तो शरीर संबंधी मन संबंधी सावधानियां हैं। सबसे जरूरी है आपके हृदय में समर्पण, विरह, प्रेम के भावों का अंकुरित होना। यदि आलस्य आ रहा है तो पानी उठ करके पी लीजिए, शौच की आवश्यकता हो तो पेट साफ कर लीजिए, रोकिए नहीं, क्योंकि मल मूत्र के वेग को रोकने पर शरीर में रोग पैदा हो सकता है। यदि शीतलहर चल रही है तो जरूरी नहीं है कि स्नान करके ही आप चितवनी करेंगे। हाँ, कोष्ठ शुद्धि यानी शौच हो जाइए, हाथ पैर धो लीजिए, कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पवित्र मन से चितवनी में बैठ सकते हैं। आरती पूजा तो बिना नहाए नहीं कर सकते, लेकिन चितवनी आप कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए कि वैष्णव लोग एक श्लोक बोला करते हैं, यो स्मरेत पुंडरी काक्षा सब बाह्य अभ्यंतर सूची। जो विष्णु भगवान का नाम लेता है वो अंदर बाहर पवित्र होता है,
तो जो राज्य का ध्यान करता है उसको नहाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप स्नान ही ना कीजिए। नहाने से एक लाभ ये होगा कि आपका रजोगुण तमोगुण कम हो जाएगा, आपका शरीर हल्का हो जाएगा। तो जो ऊंची अवस्था में पहुंच गए हैं उनके लिए स्नान जरूरी नहीं होता, लेकिन जो पहली कक्षा में है वो नहा ले तो अति उत्तम होगा, क्योंकि उनके अंदर का तामस निकल जाएगा। जब सत्वगुण भावना आएगी तो ध्यान लगाना सुलभ होगा। सबसे अच्छा ध्यान का समय है 3 से 6। जो 3 बजे 3 घंटे ध्यान करना चाहते हैं वो 3 से 6 बजे करें, 2 घंटा करने वाले 4 से 6 करें, 1 घंटा करने वाले 5 से 6 करें। 6 बजे तक ध्यान की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 से 7 आप वाणी पढ़िए, कुछ भी कीजिए, टहलने जाइए, प्राणायाम कीजिए, और जैसे जैसे आपको अधिक ध्यान करने का अभ्यास हो ज्ञानपीठ आइए, आपको कुछ प्राणायाम सिखा दिया जाएगा, आसन सिखा दिया जाएगा, जिससे आपके शरीर में इतनी क्षमता हो जाएगी कि आप कई घंटों तक भी बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। हाँ, ध्यान करने वाले को भर पेट ठूस ठूस कर भरने की आदत नहीं डालनी चाहिए, करवट सोने का प्रयास करना चाहिए। जब भी भोजन की आवश्यकता हो उतना ही सूक्ष्म आहार करें, और भोजन के बीच में पानी पिए, बाद में नहीं, भोजन के करने के बाद 2.5 घंटे तक 2 घंटे तक बिल्कुल पानी न छुए, पानी न छुइए, बीच में पानी पियेंगे 1/2 गिलास के लगभग। यदि आपने छाछ का प्रयोग करना है, हाँ, ध्यान करने वाले को छाछ के प्रयोग से बचना चाहिए। आप जानते हैं क्यों? लस्सी दही छाछ ये गृहस्थ के लिए है, योगी के लिए नहीं। आयुर्वेद में इसकी महिमा बहुत है। आयुर्वेद का के रचनाकार ने कहा है कि स्वर्ग में छाछ नहीं है इसलिए गणेश जी का पेट निकला हुआ है, चंद्रमा को टीबी आ गई है, यानी अनेक रोगों से पृथ्वी लोक का अमृत छाछ कहा जाता है, लेकिन ये केवल गृहस्थी के लिए है। आप दही का सेवन करेंगे, छाछ का सेवन करेंगे तो शरीर में जकड़न आएगी और लंबे समय तक आपका ध्यान नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आसन ही नहीं जमेगा, आपको निद्रा आ जाएगी। यही कारण है कि दूध जो प्राकृतिक आहार है उसको इस तरह से सेवन कीजिए कि वो आपके शरीर में अवशोषित हो सके। हाँ, जो गृहस्थ हैं जिनको फावड़ा भी चलाना है, कई काम करने हैं, उनको छाछ का सेवन अवश्य करना चाहिए, उनके लिए ठीक है। जो यदि चाहे कि मैं कोई 6 घंटा ध्यान करूँ, 10 घंटा ध्यान करूँ, वो छाछ और दही का सेवन करेगा तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ये कुछ सावधानियाँ रखेंगे, राज्य पर अटूट विश्वास रखेंगे, प्रीतम हमारे दिल में है, केवल पर्दा हटने की देर है, तो आपके लिए चितवनी का मार्ग बहुत सुलभ हो जाएगा। हाँ, समर्पण पाना बनाए रखिए, प्रतिदिन चितवनी के बाद इस संकल्प को दोहराइए कि राज्य मेरी सुरता को अपने चरणों में स्थान दीजिए, मेरी आँखों के सामने आइए, मेरे धाम हृदय में विराजमान होइए। हमेशा यही बातें दोहराइए, कितना भी कष्ट हो, कष्टों से बचने के लिए राज्य से प्रार्थना न कीजिए, बस एक प्रार्थना जरूर कीजिए, हृदय आओ तो कहूँ इत बैठो बीच तकत, मेरे हृदय में आइए और मेरे सामने मेरे से बात कीजिए।